फ्रेंड्स, मैं कुलेश कुमार, आप देख रहे हैं टेक्निकल वीडियो। मैं टेक्निकल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में सीखेंगे कि बीए, बीएससी, बीकॉम जो एडमिशन हो गया फर्स्ट ईयर का, उसका एडमिशन रिसिप्ट कैसे डाउनलोडिंग करेंगे अपने ऑनलाइन, जिसमें आपका फोटो हो, रोल नंबर हो, रोल कोड हो, स्कूल का नाम हो। आज के वीडियो में यही सीखेंगे। सबसे पहले आपको गूगल पर लिखना है bksuonline.in। आप देख सकते हैं, लिखने के बाद यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन है bksuonline एडमिशन 2022, मतलब 2022। आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। हमें क्या करना है, जो भी हमने बीएससी बीकॉम जो एडमिशन करवाया है उसका ऑनलाइन रिसिप्ट या एडमिशन रिसिप्ट, इसमें फोटो लगा हुआ हो, स्कूल का नाम हो, रोल कोड हो, रोल नंबर हो, उसका कैसे डाउनलोडिंग करेंगे इस वीडियो में ही जाएंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि चेक एडमिशन स्टेटस, प्रवेश स्थिति की जांच, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ विथआउट, जो भी आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा था, जो अप्लाई किया था, उस पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जो कि 220 के नाम और उसके आगे जो भी आपका नंबर है, तो उसको क्या करना है, आपको 220 है उसको, या जिस किसी में 22P होगा उसको हटा कर उसके लास्ट का जो भी है 7 नंबर जो होता है उसको डालना है। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो का एंड तक देखिएगा। ठीक है, सर्च करेंगे तो यहाँ पर जिसका है उनका पूरा यहाँ डिटेल आ जाएगा, नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, अपने कौन सा कास्ट के हैं, कौन सा कॉलेज में अपना एडमिशन करवाया है, कौन सा सब्जेक्ट है आपका, आपको यहाँ पर पूरा डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, मिलने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ सबसे नीचे आइएगा, देखिएगा कि फोटो युक्त विस्तृत प्रवेश कार्ड है, तो यहाँ पे क्लिक करें, मतलब क्लिक हियर फॉर डिटेल्स एडमिशन स्टेटस कार्ड अलोंग फोटो। यहाँ पर आप सबसे क्लियर किया गया है, जो भी अपने डाउनलोडिंग करेंगे इसका स्टेटस कार्ड उसका फोटो होगा आपका लगा हुआ होगा, पूरा डिटेल उसमें आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि वैसे ही लिखा हुआ है जो URN नंबर होता है, सेम जो आपने पहले डाला था वही यहाँ पर डालिएगा। डालने के बाद यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं एडमिशन एडमिट स्टेटस जो है ऐसे ही आपको डाउनलोडिंग होगा, जितना भी आपका प्रूफ है साइड में जो दिखाई दे रहा है आपको, आपको ऐसा ही मिलेगा। तो हम यहाँ पर डाल लेंगे। डालने के बाद यहाँ एक कैप्चा आपको इसमें डालना है। डालने के बाद आपको यहाँ पर सर्च पे क्लिक करना है। सर्च पे क्लिक करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एडमिशन स्टेटस डिटेल है, आपको ऑनलाइन 10 रुपये की पेमेंट करना होगा पहले, तभी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं अपना 10 रुपये का पेमेंट करता हूँ। चलिए, इसके बाद क्या करना है, प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे पे क्लिक करना है। प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा आपको इंटरफेयर आएगा। तो वीडियो एंड तक देखिएगा तभी समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आने वाला। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और UPI, आप किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं, चलिए, इसको UPI से पेमेंट करता हूँ। मैं अपना यहाँ पर UPI नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि अमाउंट पे जो है यहाँ पर फीस लग रहा है 1.182 फीस, जो कि 11 रुपये 18 पैसे कटेंगे आपका अकाउंट से। तो मैं यहाँ पर अपना UPI नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, करने के बाद यहाँ पर अपना नाम डाल दीजिए। जैसे ही टाइप करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर वेरीफाई होकर UPI आपका नाम यहाँ पर शो करने लगेगा। उसके बाद क्या करना है, आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। पे नाउ पे क्लिक करेंगे, जो भी आपने फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जो भी आपने दिया है, वहाँ पर आपके फोन पे एक नोटिफिकेशन जाएगा जो कि आपको पेमेंट करना है। तो वीडियो में बने रहिए, मैं अंत तक दिखाऊंगा कैसे डाउनलोडिंग करना है। यहाँ पर देखिए 5 मिनट का टाइमिंग दे रखा है। मैं अपने फ़ोन से इसको पे नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ से अपना जो एडमिशन रिसिप्ट है ये डाउनलोडिंग होकर आ जाएगा। तो वीडियो का अंत तक देखिए और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए,
जो भी साइबर कैफे हैं हमारे स्टूडेंट हैं वो अपना एडमिशन रिसिप्ट यहाँ से डाउनलोडिंग कर सकते हैं। देख सकते हैं कि मैं आपको क्लियर यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि यहाँ पेमेंट मेरा सक्सेसफुल हो गया। यहाँ पर मर्चेंट फेस नंबर आ गया, इसके बाद यहाँ अमाउंट शो कर रहा है। अमाउंट शो करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉलम बना हुआ है प्रिंट दिस का। आपको क्या करना है, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो जो आपका डिटेल है पेमेंट का, आप इसको क्या कीजिए, एक बार पीडीएफ इसको बना के रख लीजिए। पेमेंट रिसिप्ट जो है मैं पीडीएफ बना लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं सेव कर देता हूँ। बाद आपको पेमेंट दिखाई देता है फील्ड का, तो आपको क्या करना है, दोबारा से ही bkacyonline.in पर आना है। आने के बाद देखिएगा सेम प्रोसेस वैसे ही करना है, आपको चेक एडमिशन स्टेटस पे क्लिक करना है। करने के बाद आपको जो आपने पहले डाला था सेम वैसे ही डालना है, 220G हटाकर, ठीक है। तो जो आपका 7 डिजिट है उसको डालना है। उसके बाद क्या करना है, सर्च पे क्लिक करना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद सेम प्रोसेस आएगा पहले जैसा ही। उसके बाद नीचे पे क्लिक करना है, जो आपको दिखाई दे रहा है फोटो युक्त विस्तृत प्रवेश स्थिति कार्ड, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सेम प्रोसेस वैसे ही करना है जो आपने डाला था। यहाँ से आपका डाउनलोडिंग हो जाएगा। परचांस आपका डाउनलोडिंग नहीं होता है तो ऐसे एरर आता है आपका भी, तो आपको प्रोसेस दोबारा जैसा ही करना है पहले जैसा ही, ठीक है। उसके बाद आपको कैप्चा इसमें डालना, कैप्चा डालने के बाद सर्च पे क्लिक करना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद देखिए मेरा जो एडमिशन रिसिप्ट फॉर्म है वो आपको कंप्लीट यहाँ पर डाउनलोडिंग होकर आ गया है। नाम आ गया और स्कूल का नाम आ गया, UTR नंबर आ गया, सॉरी URA नंबर जो अंडर ग्रेजुएट लिखा होता है, कौन सा सब्जेक्ट लिए हैं, आपका रोल नंबर क्या है, रोल कोड क्या है स्कूल का, नाम फादर नेम, कौन सा कास्ट चार्ज है, पूरा डिटेल, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वो पूरा डिटेल इसमें मिलेगा। ऐसे ही आप BA BSc BCom का अपना फर्स्ट ईयर का जो भी एडमिशन करवाए ऑनलाइन फॉर्म भरे थे, जो ऑनलाइन स्कूल में जाकर अपना एडमिशन कराए हैं, अपना यहाँ से ही उसका पेमेंट रिसिप्ट या एडमिशन रिसिप्ट डाउनलोडिंग कर सकते हैं। आई होप कि ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।